अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं ये पाइपिंग लगा रही थी तो मैंने सोचा आपके लिए एक वीडियो बना दूं कि इसका कॉर्नर अच्छे तरीके से किस तरह बनता है। प्रोफेशनल तरीका ये मैं आपको बताती हूँ। आपने सिंपल पाइपिंग लगाते जाना, जब जहाँ पे आपने कॉर्नर बनाना है वहाँ पे आप अपनी मशीन को लेकर आएँ। मैंने तकरीबन 1.25 इंच या 1 इंच ऊपर बनाना था तो मैंने इसको, ये देखें आप, सिंपल इस तरह आपने पाइपिंग को सीधा कर लेना, सुई बाहर निकालनी है और ये आपने नीचे का धागा थोड़ा सा लूज़ करना है अंदर को। ये देखें इस तरह पकड़ के थोड़ा सा लूज़ किया इसको। अब इस तरह पाइपिंग को जिस तरह ये लगी होती है इसको साफ करके फोल्ड करना है इस तरह। अब ये जहाँ पे आपने कॉर्नर बनाना था ये कपड़ा इस तरह करें। अब ये देखें कपड़े को थोड़ा सा ना इस तरह करके पकड़े ताकि वो बार बार अंदर ना आए। ये देखें अब जहाँ पे आपने कॉर्नर बनाना है वहाँ पे अपने नाखून रख के आपने इसको बिठा लेना है। ये देखें इस तरह आसान है, आप बनाते जाएंगे तो आप में सफाई आती जाएगी। ये देखें इस तरह आपने अब इसके साथ सिलाई लगानी है। मैं आपको बताती हूँ, ये देखें मैंने इसको फोल्ड किया था इस तरह, ये इस तरह हमने लगाई थी, ये इस तरह मैंने इसको फोल्ड कर लिया। ये धागे वगैरह जो होते हैं आपने इसको सिंपल इस तरह अंदर करके, यहाँ पे आप तरपाई करना चाहे तरपाई कर लें और सिलाई लगाना चाहें तो सिलाई लगा लें, दोनों ही खूबसूरत लगेंगे। ये देखें आप इस तरह से, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये अगर हमारी सफाई के साथ ना बने तो सूट में बिल्कुल भी खूबसूरती नहीं आती। ये देखें इस तरह, ठीक है। मैं सिंगल पैर के साथ नहीं लगाती, मैं डबल पैर के साथ ही लगाती हूँ। आप भी कोशिश किया करें ज़्यादा पैर के साथ लगाएं ताकि वक्त आपका बच सके। मैं इंशाल्लाह जल्दी आपको एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये पाइपिंग किस तरह से ज़्यादा पैर के साथ लगाई जाती है। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आप मेरी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।